हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउच कॉफ़ी बुक्स। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी रंगीले बाबू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ाना ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बाबू रसिकलाल को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वह लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। मेरे सामने ही वह वकील हुए और आनन फानन चमके। देखते देखते बंगला बन गया, ज़मीन खरीद ली, मोटर रख ली और शहर के रईसों में शुमार होने लगे। लेकिन मुझे न जाने क्यों उनके रंग ढंग बहुत जचते न थे। मैं यह नहीं देख सकता कि कोई भला आदमी खामखा टेढ़ी टोपी लगाकर निकले या सुरमा लगाकर, मांग निकालकर, मुंह को पान से फुलाकर, गले में मोतिया या बेले के गजरे डाले, तंजेब का चुन्नटदार कुर्ता और महीन धोती पहने बाजार में कोठों की ताक झाक करता, ठट्टे मारता निकले। मुझे उससे चिढ़ हो जाती है। वह मेरे पास म्यूनिसिपैलिटी मेंबरी के लिए वोट मांगने आए तो कभी ना दूं, उससे याराना निभाना तो दूर की बात। भले आदमी को जरा गंभीर, जरा सादगी पसंद देखना चाहता हूँ। मुझे अगर किसी मुकदमे में वकील करना पड़े तो मैं ऐसे आदमी को कभी ना करूँ, चाहे वह रास बिहारी घोष ही सा कानून दा क्यों ना हो। रसिकलाल इसी तरह के रंगीले आदमी हैं। उनकी तर्क शक्ति ऊंचे दर्जे की है, मानता हूँ। जिरह भी अच्छी करते हैं, यह भी मुझे स्वीकार है। लेकिन सीधी टोपी लगाने और सीधी चाल चलने से उनकी वकालत कुछ ठंडी ना पड़ जाएगी। मेरा तो ख्याल यह है कि बांकपन छोड़कर भले आदमी बन जाएं तो उनकी प्रैक्टिस दूनी हो सकती है। लेकिन अपने को क्या पड़ी है किसी की बातों में दखल दें। जब कभी उनका सामना हो जाता है तो मैं दूसरी ओर ताकने लगता हूँ या किसी गली में हो रहता हूँ। मैं सड़क पर उनसे बातें करना मुनासिब नहीं समझता। क्या हुआ, वह नामी वकील हैं और मैं बेचारा स्कूल मास्टर हूँ। मुझे उनसे किसी तरह का द्वेष नहीं। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उनसे जलूं। मेरी तो वह बड़ी इज्जत और खातिर करते हैं। अपनी लड़की की शादी में मैं उनसे दरियां और दूसरा सामान मांगने गया। उन्होंने दो ठेले भर दरियां, कालीने, जाजिम, चौकियां, मसनदें भेज दी। नहीं, मुझे उनसे ज़रा भी द्वेष नहीं। बहुत दिनों के परिचय के नाते मुझे उनसे स्नेह है। लेकिन उनका वह बांकपन मुझे नहीं अच्छा लगता। वह चलते हैं तो ऐसा जान पड़ता है जैसे दुनिया को ललकारते चलते हों। देखूं मेरा कोई क्या कर सकता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। एक बार मुझे स्टेशन पर मिल गए, लपक कर मेरे कंधे पर हाथ ही तो रख दिया। आप तो मास्टर साहब कभी नज़र ही नहीं आते, कभी भला साल में एक आध बार तो दर्शन दे दिया कीजिए। मैंने अपना कंधा छुड़ाते हुए कहा, क्या करें साहब, अवकाश ही नहीं मिलता। बस आपने चट में एक बाजारी शेर पढ़ा, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब फुर्सत, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब फुर्सत, चलो बस हो चुका, ना तुम खाली ना हम खाली। मैंने हंस तो दिया, जो आदमी अपना लिहाज करे उससे कोई कैसे रुखाई करे। फिर बड़े आदमियों से बिगड़ा करना भी नहीं चाहता। न जाने कब अपनी गरज लेकर उनके पास जाना पड़े, लेकिन मुझे उनकी यह बेतकल्लुफी कुछ अच्छी न लगी। यों मैं कोई तपस्वी ना हूँ न जाहिद, अरसिक होना उस बांकपन से भी बुरा है। शुष्क जीवन भी कोई जीवन है जिसमें विनोद के लिए स्थान न हो। वन की शोभा हरे भरे सरस वृक्षों से है, सूखे हुए ठूंठों से नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ आदमी जो कुछ करे छिपा कर करे। शराब पीना चाहते हो, पियो, मगर पियो एकांत में। इसकी क्या ज़रूरत कि शराब में मस्त होकर बहकते फिरो। रूप के उपासक बनना चाहते हो, बनो, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत कि वैश्याओं को दाएं बाएं बैठाए मोटर में उनके छैलपन का ढिंडोरा पीटते फिरो। फिर रसिकता की भी एक उम्र होती है। जब लड़के जवान हो गए, लड़कियों की शादी हो गई, बाल पक चके, तो मेरे ख्याल में आदमी को कुछ गंभीर हो जाना चाहिए।
आपका दिल अभी जवान है, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें इस पर बधाई देता हूँ। वासना कभी बूढ़ी नहीं होती। मेरा तो अनुभव है कि उम्र के साथ साथ वह भी प्रौढ़ होती जाती है, लेकिन इस उम्र में कुलेलें करना मुझे ओछापन मालूम होता है। सींग कटाकर बछड़ा बनने वाली मनोवृत्ति का मैं कायल नहीं। कोई किसी का क्या कर लेगा, लेकिन चार भले आदमी उंगली उठाएं ऐसा काम क्यों करो। तुम्हें भगवान ने संपन्न बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी संपन्नता को इस विपन्न संसार में दिखाते फिरना, जो क्षुधा से व्याकुल हैं उनके सामने रसगुल्ले उड़ाना, इसमें ना तो रसिकता है ना आदमियत। रसिकलाल की बड़ी लड़की का विवाह था, मथुरा से बारात आई थी। ऐसे ठाठ की बारात यहाँ शायद ही कभी आई हो। बड़ी धर्मशाला में जनवासा था। वर का पिता किसी रियासत का दीवान था। मैं भी बारातियों की सेवा सत्कार में लगा हुआ था। 1000 आदमी से कम न थे। इतने आदमियों का सत्कार करना हंसी नहीं है। यहाँ तो किसी बारात में 150 आदमी आ जाते हैं तो उनकी भी अच्छी तरह खातिर नहीं हो पाती। फिर बारातियों के मिजाज का क्या कहना, सभी तानाशाह बन जाते हैं। कोई चमेली का तेल मांगता है, कोई आंवले का, कोई केश रंजना, कोई शराब मांगता है, कोई अफीम, साबुन चाहिए, इत्र चाहिए। 1000 आदमियों के खाने का प्रबंध करना कितना कठिन है। मैं समझता हूँ 20-25 हज़ार के वारे न्यारे हुए होंगे, लेकिन रसिकलाल के माथे पर शिकन न थी। वही बांकपन था, वही विनोद, वही बेफिक्री, ना झुंझलाना ना बिगड़ना। बारातियों की ओर से ऐसी ऐसी बेहुदा फरमाइशें होती थी कि हमें गुस्सा आ जाता था। पाव आध पाव भंग बहुत है, यह पंसेरी भर भंग लेकर क्या उसकी धुनी देंगे। जब सिनेमा के 100 अव्वल दर्जे के टिकटों की फरमाइश हुई तो मुझसे ना रहा गया। रसिकलाल को खूब डांट लगाई और उसी क्रोध में जनवासी की ओर चला कि एक एक को फटकारूं। लड़के का ब्याह करने आए हैं या किसी भले आदमी की इज्जत बिगाड़ दें। एक दिन बगैर सिनेमा देखे नहीं रहा जाता। ऐसे ही बड़े शौकीन हो तो जेब से पैसे क्यों नहीं खर्च करते। लेकिन रसिकलाल खड़े हंस रहे थे। भाई साहब, क्यों इतना बिगड़ रहे हो? ये लोग तुम्हारे मेहमान हैं। मेहमान 10 जूते भी लगाए तो बुरा ना मानिए। यह सब जिंदगी के तमाशे हैं। तमाशे में हम खुश होते जाते हैं, वहाँ रोना भी पड़े तो उसमें आनंद है। लपक कर सिनेमा से 100 टिकट ला दीजिए, 100-200 रुपये का मुँह ना देखिए। मैंने मन में कहा, मुफ्त का धन बटोरा है, लुटाओ और नाम लुटो। यह कोई सत्कार नहीं है कि मेहमान की गुलामी की जाए। मेहमान उसी वक्त तक मेहमान है जब तक मेहमान की तरह रहे। जब वह रौब जमाने लगे, बेइज्जती करने पर आमादा हो जाए, तो वह मेहमान नहीं, शैतान है। इसके 3 महीने बाद सुना कि रसिकलाल का दामाद मर गया, वही जिसकी नई शादी हुई थी। सिविल सर्विस के लिए इंग्लैंड गया हुआ था, वही न्यूमोनिया हो गया। यह खबर सुनते ही मुझे रोमांच हो आया। उस युवक की सूरत आंखों में दौड़ गई। कितना सौम्य, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, और मरा जाकर इंग्लैंड में कि घर वाले देख भी ना सके। और उस लड़की की क्या दशा होगी जिसका सर्वनाश हो गया। अभी हाथ की मेहंदी भी तो ना छूटी थी, चुंदरी भी तो अभी मैली नहीं हुई। वाह रे दयालु भगवान, और वाह रे तुम्हारी लीला। प्राणियों की होली बनाकर उसकी लपटों का तमाशा देखते हो। उसी वक्त भागा हुआ रसिकलाल के पास गया और उनकी सूरत देखते ही मन की कुछ ऐसी दशा हुई कि चिंघाड़ मारकर रो पड़ा। रसिकलाल आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे। उठकर मुझे गले लगा लिया और उसी स्थिर अविचल निर्द्वंद भाव से बोले, वाह मास्टर साहब, आपने तो बालकों को भी मात कर दिया। जिनकी मिठाई कोई छीनकर खा जाए तो रोने लगते हैं। बालक तो इसलिए रोता है कि उसके बदले में दूसरी मिठाई मिल जाए। आप तो ऐसी चीज के लिए रो रहे हैं जो किसी तरह मिल ही नहीं सकती। अरे साहब, यहाँ बेहया बनकर रहिए, मार खाते जाइए और मूछों पर ताव देते जाइए। मज़ा तो तब है कि जल्लाद के पैरों तले आकर भी वही अकड़ बनी रहे। अगर ईश्वर है मुझे तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन सुनता हूँ कि वह दयालु है, और दयालु ईश्वर भला निर्दयी कैसे हो सकता है। वह किसे मारता है, किसे जिलाता है, हमसे मतलब नहीं। उसके खिलौने हैं, खेले या तोड़े, हम क्यों उनके बीच में दखल दें। वह हमारा दुश्मन नहीं, न जालिम बादशाह है,
कि हमें सताकर खुश हो। मेरा लड़का घर में आग भी लगा दे तो मैं उसका दुश्मन ना बनूंगा। मैंने तो उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उससे क्या दुश्मनी करूं? भला ईश्वर का भी निर्दयी हो सकता है, जिसके प्रेम का स्वरूप यह ब्रह्मांड है। अगर ईश्वर नहीं है, मुझे मालूम नहीं और कोई ऐसी शक्ति है जिसे हमारी विपत्ति में आनंद मिलता है, तो साहब यहाँ रोने वाले नहीं। हाथों में ताकत होती और दुश्मन नजर आता तो हम भी कुछ जमा वर्दी दिखाते। अब अपनी बहादुरी दिखाने का इसके सिवा और क्या साधन है कि मार खाते जाओ, हंसते जाओ, अकड़ते जाओ। रोए तो अपनी हार को स्वीकार करेंगे, मार ले साले जितना चाहे मार ले, लेकिन हंसते ही रहेंगे। मक्कार भी है, जादूगर भी, छिपकर वार करता है। आ जाए सामने तो दिखाऊं। हमें तो अपने उन बेचारे शायरों की अदा पसंद है जो कब्र में भी माशूक के पांजेब की झनकार सुनकर मस्त होते रहते हैं। इसके बाद रसिकलाल ने उर्दू शेरों का तांता बांध दिया और इस तरह तन्मय होकर उसका आनंद उठाने लगे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर बोले, लड़की रो रही है। मैंने कहा, ऐसे बेवफा के लिए क्या रोना जो तुम्हें छोड़कर चल दिया। अगर उससे प्रेम है तो रोने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रेम तो आनंद की वस्तु है। अगर कहो क्या करें दिल नहीं मानता, तो दिल को मनाओ। बस दुखी मत हो, दुखी होना ईश्वर का अपमान करना है और मानवता को कलंकित करना। मैं रसिकलाल का मुंह ताकने लगा। उन्होंने यह कथन कुछ ऐसे उदात्त भाव से किया है कि एक क्षण के लिए मुझ पर भी उसने जादू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से चला तो दिल का बोझ बहुत कुछ हल्का हो गया था। मन में एक प्रकार का साहस उदय हो गया था जो विपत्ति और बाधा पर हंस रहा था। थोड़े दिन के बाद वहाँ से तबादला हो गया और रसिकलाल जी की कोई खबर नहीं मिली। कोई साल भर के बाद एक दिन गुलाबी लिफाफे पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ एक निमंत्रण पत्र मिला। रसिकलाल के बड़े लड़के का विवाह हो रहा था। नवेद के नीचे कलम से आग्रह किया गया था कि अवश्य आइए, वरना मुझे आपसे बड़ी शिकायत रहेगी। आधा मजा जाता रहा, एक उर्दू का शेर भी था। इस शौके फिरावा किया रब, आखिर कोई हद भी है कि नहीं। इस शौके फिरावा की या रब, आखिर कोई हद भी है कि नहीं। इनकार करे वह या वादा, हम रास्ता देखते रहते हैं। एक सप्ताह का समय था। मैंने नई रेशमी अचकन बनवाई, नए जूते खरीदे और खूब बन ठन कर चला। वधू के लिए एक अच्छी सी कश्मीरी साड़ी ले ली। महीनों एक जगह रहते रहते और एक ही काम करते करते मन कुछ कुंठित सा हो गया था। तीन चार दिन खूब जलसे रहेंगे, गाने सुनूंगा, दावतें उड़ाऊंगा, मन बहाल हो जाएगा। रेलगाड़ी से उतरकर वेटिंग रूम में गया और अपना नया सूट पहना। बहुत दिनों बाद नया सूट पहनने की नौबत आई थी, पर आज भी मुझे नया सूट पहनकर वही खुशी हुई जो लड़कपन में होती थी। मन कितना ही उदास हो, नया सूट पहनकर हरा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ, बीमारी में बहुत सी दवाएं न खाकर हम नया सूट बनवा लिया करें तो कम से कम उतना फ़ायदा तो ज़रूर ही होगा जितना दवा खाने से होता है। क्या यह कोई बात ही नहीं कि ज़रा देर के लिए आप अपनी ही आँखों में कुछ ऊँचे हो जाएं? मेरा अनुभव तो यह कहता है कि नया सूट हमारे अंदर एक नया जीवन डाल देता है, जैसे सांप केंचुल बदले या बसंत में वृक्षों में नई कोपले निकल आए। स्टेशन से निकलकर मैंने तांगा लिया और रसिकलाल के द्वार पर पहुंचा। 3 बजे होंगे, लू चल रही थी, मुंह झुलसा जाता था। द्वार पर शहनाइयां बज रही थी, बंधनवारें बंधी हुई थी। तांगे से उतरकर अंदर के सहन में पहुंचा। बहुत से आदमी आंगन में सहन के बीच में घेरा बांधे खड़े थे। मैंने समझा कि शायद जोड़े गहने की नुमाइश हो रही होगी। भीड़ चूर कर घुसा, बस कुछ ना पूछो। क्या देखा जो ईश्वर सातवें बैरी को भी ना दिखाए। अर्थी थी, पक्के काम के दोशाले से ढकी हुई, जिस पर फूल बिखरे हुए थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि गिर पड़ूंगा। सहसा रसिकलाल की मेरी निगाह पड़ गई। रंगीन कपड़ों का एक गट्ठर लिए अंदर से आए थे। ना आंखों में आंसू, ना मुंह पर वेदना, ना माथे पर शिकन। वही बांकी टोपी, वही रेशमी कुर्ता,
वही महीन तंजेब की धोती। सब रो रहे थे, कोई आंसुओं के वेग को रोके हुए था, कोई शोक से विहल। ये बाहर के आदमी थे, कोई मित्र था, कोई बंधु, और जो मरने वाले का बाप था वह इन डगमगाने वाली नौकाओं और जहाज़ों के बीच में स्तंभ की भांति खड़ा था। मैं दौड़कर उनके गले से लिपटकर रोने लगा। वह पानी की बूंद जो पत्ते पर रुकी हुई थी जरा सी हवा पाकर ढुलक पड़ी। रसिकलाल ने मुझे गले से लगाते हुए कहा, आप कब आए? क्या अभी चले आ रहे हैं? वाह, मुझे खबर ही न हुई। शादी की तैयारियों में ऐसा फंसा कि मेहमानों की खातिरदारी भी न कर सका। चलकर कपड़े उतारिए, मुंह हाथ धोइए, अभी बारात में चलना पड़ेगा। पूरी तैयारी के साथ चलेंगे। बैंड, बीन, ताशा, शहनाई, नगाड़ा, डफली, सभी कुछ साथ होंगे। कोतल, घोड़े, हाथी, सवारियां, सब कुछ मंगवाइए। आतिशबाजी, फूलों के तख्त, खूब धूम से चलेंगे। जेठे लड़के का ब्याह है, खूब दिल खोल कर करेंगे। गंगा के तट पर जनवासा होगा। इन शब्दों में शोक की कितनी भयंकर, कितनी अथाह वेदना थी, एक कोहराम मच गया। रसिकलाल ने लाश के सिर पर बेलों का मोर पहनाकर कहा, क्या रोते हो भाइयों, यह कोई नई बात नहीं हुई है। रोज़ ही तो यह तमाशा देखते हैं, कभी अपने घर में, कभी दूसरे के घर में। रोज़ ही तो रोते हो, कभी अपने दुख से, कभी पराए दुख से। कौन तुम्हारे रोने की परवाह करता है? कौन तुम्हारे आंसू पहुँचता है? कौन तुम्हारी चीत्कार सुनता है? तुम रोए जाओ, वह अपना काम किए जाएगा। फिर रोकर क्यों अपनी दुर्बलता दिखाते हो? उसकी चोटों को छाती पर लो और हंसकर दिखा दो कि तुम ऐसी चोटों की परवाह नहीं करते। उससे कहो, तेरे अस्त्रालय में जो सबसे घातक अस्त्र हो वह निकाल ला। यह क्या सुइयां सी चुभोता है, पर हमारी कोई दलील नहीं सुनता, ना सुने। हम भी अपनी अकड़ न छोड़ेंगे, उसी धूमधाम से बारात निकालेंगे, खुशियां मनाएंगे। रसिकलाल रोते तो और लोग भी उन्हें समझाते। इस विद्रोह भरी ललकार ने सबको स्तंभित कर दिया। समझाता कौन, हमें वह ललकार विक्षिप्त वेदना सी जान पड़ी जो आंसुओं से कहीं मर्मान तक थी। चिंगारी के स्पर्श से आबले पड़ रह जाते हैं। दहकती हुई आग में पांव पड़ जाए तो भुन जाएगा, आंवले ना पड़ेंगे। रसिकलाल की वेदना वही दहकती हुई आग है। लाश मोटर पर रखी गई, मोटर गुलाब के फूलों से सजाया गया। किसी ने पुकारा, राम नाम सत्य है। रसिकलाल ने उसे विनोद भरी आंखों से देखा, तुम भूल जाते हो लाला, यह विवाह का उत्सव है, हमारे लिए सत्य जीवन है, उसके सिवा जो कुछ है मिथ्या है। बाजे गाजे के साथ बारात चली। इतना बड़ा जुलूस तो मैंने इस शहर में नहीं देखा। विवाह के जुलूस में 200-400 आदमियों से ज़्यादा ना होते, इस जुलूस में संख्या लाखों से कम न थी। धन्य हो रसिकलाल, धन्य तुम्हारा कलेजा। रसिकलाल उसी बांकी अदा से मोटर के पीछे घोड़े पर सवार चले जा रहे थे। जब लाश चिता पर रखी गई तो रसिकलाल ने एक बार जोर से छाती पर हाथ मारा। मानवता ने विद्रोही आत्मा को आंदोलित किया, पर दूसरे ही क्षण उनके मुख पर वही कठोर मुस्कान चमक उठी। मानवता वह थी या यह, कौन कहे। उसके दो दिन बाद मैं नौकरी पर लौट गया। जब छुट्टियां होती हैं तो रसिकलाल से मिलने आता हूं। उन्होंने उस विद्रोह का एक अंश मुझे भी दे दिया। अब तो कोई उनके आचार व्यवहार पर आक्षेप करता है तो मैं केवल मुस्कुरा देता हूं। दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी रंगीले बाबू। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।